सो गाइस आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। और गाइस ये मुकाबला वानखेड़े के स्टेडियम पे खेला जाएगा, मुंबई में ये मुकाबला होने वाला है। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग के कन्फर्म प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि इस मुकाबले में उतरती हुई नजर आने वाली है। चेन्नई सुपर किंग ने पिछला मुकाबला यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के टेबल टॉपर तो बन गए हैं, लेकिन इस मुकाबले में जीत के बावजूद भी चेन्नई एक बड़ा बदलाव करती हुई नजर आने वाली है। उसी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में यही बताने वाला हूँ कि आखिर कौन से नंबर पे कौन सा खिलाड़ी आने वाला है। सो इसका फिर डिटेल वीडियो है, ये वीडियो अभी से लेकर पूरा इंटायर एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन होगा उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो दबाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चेन्नई के ओपनर्स की। एक बार देख लेते हैं कि नंबर वन के पोजीशन पे कौन सा खिलाड़ी आता हुआ नजर आने वाला है। सो गाइस यहां पे नो डाउट कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, फाफ डू प्लेसिस उतरते हुए नजर आने वाले हैं। अब नंबर टू पे बात करूं यानी फाफ डू प्लेसिस का जो पार्टनर बनने वाले हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ बनते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि गायकवाड़ ने शानदार इनिंग खेल के दिखाया था यहाँ पे अगर बात करें केकेआर के खिलाफ। और उसके बाद उनका भी प्लेइंग 11 में जो कि मौका है वो 100% फिक्स हो चुका है। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं नंबर तीन पे। एक बार देख लेते हैं कि नंबर थ्री के कौन से पोजिशन पे कौन सा खिलाड़ी आने वाला है। सो गाइस इस पोजिशन पे मोइन अली ही आते हुए नजर आने वाले हैं। चेन्नई यहाँ पे नो डाउट कोई भी चेंज नहीं करने वाली है, क्योंकि मोइन अली अभी फिलहाल में काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और यहाँ पे नंबर तीन पे ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी यानी दोनों के भार से ये चेन्नई को अभी तक बचाते हुए नजर आए हैं। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं नंबर चार पे। एक बार देख लेते हैं कि नंबर फोर पोजीशन पे कौन सा खिलाड़ी आने वाला है। सो गाइस ये कोई और नहीं बल्कि सुरेश रैना का पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे चेन्नई कोई भी छेड़छाड़ करती हुई नजर नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे नंबर पांच पे, तो नंबर पांच पे यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे अंबती रायडू ही आते हुए नजर आने वाले हैं। काफी लोग कहेंगे रायडू को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी चेन्नई ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली है। रायडू यहाँ पे 14 के 14 मुकाबले में यहाँ पे चेन्नई के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर छः पे, तो नंबर छः पे यहाँ पे रविंद्र जडेजा आते हुए नजर आने वाले हैं। जडेजा की पोजीशन पूरी तरीके फिक्स है, यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे पोजीशन हो सकता है, लेकिन यही प्लेइंग 11 में ये जडेजा भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर सात पे बात करूँ तो एमएस धोनी आने वाले हैं। एमएस धोनी से अब काफी ज्यादा लोगों की उम्मीद बन चुकी है, क्योंकि केकेआर के खिलाफ उन्होंने शानदार इनिंग खेल के दिखाया था। और गाइस तरीके बात करूँ तो यहाँ पे नंबर सात पे फिनिशर का काम करते हुए यहाँ पे एमएस धोनी ही नजर आने वाले। उसके बाद बात को नंबर 8 पे, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको फैंटेसी पावर 11 के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे आप डेली गैजेट गिवअवे कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप यहां पे एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लेदर बोर्ड की व्यवस्था दी गई है, जिसके आपके मदद से आपके रैंक के प्राइस के हिसाब से आपको काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। मेगा लीग के भी व्यवस्था की गई है। और गाइस अगर आप इसे लिंक के द्वारा अगर यहां पे डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री एंट्री और स्क्रैच कार्ड भी मिलने वाला है। फ्री एंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए टेलीग्राम इनके लिंक पे जाके आप फॉलो इन्हें जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, वहाँ पे आपको कोड देखने को मिलेगा। उस कोड को आप डाल के आप अपनी शानदार प्लेइंग 11 बना के लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो गाइस देर किस बात की, फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, फैंटेसी पावर 11 का मजा लेना स्टार्ट करिए। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 8 पे। सो गाइस यहाँ पे बात करूँ नंबर 8 पे, तो नंबर 8 पे यहाँ पे सैम करन आते हुए नजर आने वाले हैं। भले ही ये पिछले मुकाबले में पिके थे, लेकिन इन्होंने शानदार एक काफी महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया था आंद्रे रसेल का, और इस वजह से बात करूँ तो यहाँ पे पावर फ्लो का भी जो काम करने वाले हैं वो सैम करन ही करते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस नंबर 8 पे यहाँ पे सैम करन ही आते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे नंबर 9 पे, तो नंबर 9 पे यहाँ पे बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे हरिशंकर रेड्डी को मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है। शार्दुल ठाकुर को मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चेन्नई को यहाँ पे थोड़ा भाई रेस्ट करवाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर बिल्कुल भी इफेक्टिव यहाँ पे नजर होते हुए नजर नहीं आए हैं, क्योंकि एक भी मुकाबलों में ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और इस वजह से यहाँ पे हरिशंकर रेड्डी को स्टार्टिंग के ही मुकाबलों में मौका मिलना चाहिए। इन्हें भी अपना जो प्रतिभा है, हुनर है, इन्हें लगातार अपना दिखाना होगा। और इस वजह से यहाँ पे हरिशंकर रेड्डी यहाँ पे नंबर 9 के पोजिशन पे फिक्स होते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे चेन्नई जरूर से हरिशंकर रेड्डी को अब यही काफी बेहतर मौका है कि इन्हें भी जांच ले और यहाँ पे नंबर 9 का पोजीशन इन्हें सौंप दे। उसके बाद बात करूँ नंबर 10 पे, तो नंबर 10 पे लुंगी एनगेजी आने वाले हैं। इन्होंने पिछले मुकाबलों में 3 विकेट लिया था, तो यहाँ पे नो डाउट कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पे नंबर 10 की जो पोजीशन है वो लुंगी एनगेजी फिक्स करते हुए नजर आए हैं। फुगर फाइनल में बात करने वाले हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 में बात करूँ तो यहाँ पे दीपक चाहर ही आने वाले हैं। दीपक चाहर ने भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, 4 विकेट इन्होंने केकेआर के खिलाफ झटके थे। और इस वजह से बात करूँ तो यहाँ पे
नंबर 11 पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे दीपक चाहर आते हुए नजर आने वाले हैं गाइस। कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11, जो कि 19वें मुकाबले में यानी 25 अप्रैल को मुकाबले में जो होने वाला है यही प्लेइंग 11 लेके उतरने वाली है। सो गाइस ये तो बात हो गई यहाँ पे चेन्नई के प्लेइंग 11 की। अब हम लोग अगली जो वीडियो आने वाली है वो मैं दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 पे बनाने वाला हूँ। सो गाइस फाइनली आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे।